तो गाइस जो आज की वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चैलेंज हम तीनों के बीच में होने वाला है। पीछे आप देख सकते हो ये है ट्रायंगल और गाइस इस ट्रायंगल के अंदर हम रुकने वाले हैं पूरे 24 घंटे और जो भी सबसे पहले बाहर निकलेगा वो दोस्तों भीख मांगने वाला है। लेकिन अब की बार जो भीख मांगने का तरीका होगा वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला होगा, यानी कि उसका काला मुंह किया जाएगा, उसको फटे पुराने कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर कटोरा देकर चौराहे पर बिठाया जाएगा। जी हां दोस्तों, और फिर उसको मांगनी है। तो आप सोचो पूरा भिखारी वाला गेट वही फटे हुए कपड़े काला मुंह हाथ में कटोरा और चौराहे पर बैठना होगा उसको। मनु तैयार है तू? तैयार हूँ भिखारी बनने के लिए। भिखारी मैं क्यों बनूं? हम तो पूरा करेंगे चैलेंज को। और रुको रुको, सेकंड नंबर वाली सजा सुन लो। और अगर गाइस जो सेकंड नंबर पर बाहर निकलता है वो दोस्तों खाएगा जोलो चिप्स। भाई दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी चिप्स होती है जोलो चिप्स, तो देख लो सेकंड नंबर वाले को भी जोलो चिप्स खानी पड़ेगी और थर्ड नंबर वाला बिल्कुल सेफ है। सारे रूल समझ में आ गए? तो गाइस अगर अब हम अंदर जाते हैं तो वापस बाहर नहीं आ सकते और यहाँ पे हम ट्रायंगल में आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी समर सेल के बारे में, जहाँ आपको ब्रांड न्यू मैकबुक एयर मिल सकता है केवल 1 रुपए में। पर ये ऑफर सबको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहना। भाई चैलेंज में आते ही देखो इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है और जो ये बॉल है उसको इन्होंने बाहर फेंक दिया है। लाओ लाओ वापस, कैसे लाओगे? ओए सुनो, अगर तुम्हारा पैर है ना इस रस्सी का टच भी हो गया ना फिर भी तुम आउट होगे, ठीक है ना? गाइस रूल्स है ना काफी ज्यादा कड़क है, अगर पैर टच भी होता है इस रस्सी के फिर भी आउट है। हाथ वगैरह कुछ भी टच हुआ तो देख लेना कैसे निकालेगा अब। ये तो जा ही नहीं रहा। भाई देखो ये क्या क्या ट्राई कर रहा है, देखते हैं कि ये बॉल निकाल पाते हैं या नहीं। वाह मोटे ने गाइस गजब आइडिया लगाया है, देखना हाथ वगैरह कुछ भी टच नहीं होना चाहिए रस्सी के। गाइस ये भीख मांगना चाहिए यार, तब आए मजा। तो निकाल निकाल। तो गाइस यहाँ पर मैं आराम से फ्री में सर्कस देख रहा हूँ और जो ये जोकर है वो देखो क्या क्या कर रहे हैं। ये कौन सा आइडिया है गाइस? नहीं आई मैं ना ध्यान रख रहा हूँ, अगर गलती से भी टच हो जाए ना तो यहाँ पर मोटा आउट होने वाला है भाई। कर कर बोल यहाँ पे वापस अंदर आ चुकी है यार, गजब आइडिया लगाया मोटे ने भाई। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है तो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे ये पजल और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये ना पूरी एक जिप्सी बनने वाली है और इसके टुकड़े देखो आप, कितने सारे टुकड़े देखो, इतने सारे टुकड़े, तो इन सभी को मुझे ज्वाइंट करना होगा। कल आज अपन दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। तो गाइस अब हम है ना फटाफट से इसको बनाने वाले हैं। ये कौन सा करतब दिखा रहा है तू? ये ना इस बॉल के ऊपर खड़ा हो चुका है यार बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओए तूने बैलेंस कैसे बनाया? बच गया, अभी मुंह टूटता पूरा। इसका दांत बाहर आ जाते। यहाँ पे गाइस मोटे ने एक टायर बना दिया है पूरा और ये देखो 3D टायर है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे की मेहनत पूरी बर्बाद हो चुकी है, मतलब कि टेंट बन तो गया लेकिन जो फिटिंग है ना वो अच्छी तरीके से नहीं हुई। देखो भाई बीच में काफी ज्यादा स्पेस रह चुकी है और ये भी अभी बाकी है। दिमाग घूम गया भाई, आधे घंटे तक तो दिमाग घूम ही रहा था, बाद में समझ में आया नंबर से नंबर मिलाने फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी पूरा नहीं बना, काफी टाइम लगता है यार, दिमाग घूम गया। मैं जा रहा हूँ आदमी में लड़ाई करने। नहीं घूमेंगे अब तो, और इसको नहीं खिलाएंगे गाइस। अब है ना हम यहाँ पर ही मंगवाने वाले है आइसक्रीम का पूरा बड़ा वाला टेम्पो और इसको नहीं खिलाने वाले, मेरे पास नंबर है भैया। हाँ गाइस मैंने फाइनली कॉल कर दिया है और आधे घंटे में अपनी आइसक्रीम यहाँ पर ही आ जाएगी। इसको तो खिलाने नहीं वाले, इंतजार नहीं हो रहा यार, अब पता नहीं है ना कब आएगा। गाइस अपना टेम्पो आ चुका है भैया, अंदर ले आओ, अंदर अंदर ही ले आओ, हम बाहर नहीं आ सकते। अरे वो हटा ना उसका ध्यान रख, फ्रीज का ध्यान रख, ले आओ भैया। भाई अपने ट्रायंगल के अंदर पूरा टेम्पो आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो। ओए पैर टच नहीं होना चाहिए। फेनोमेन।
अब गाइस आराम से हम आइसक्रीम खा सकते हैं फुल मजे से भाई। ओ, ये तो अंदर है ना, देख लेना। हाँ ये तो अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा गाइस है ना ट्रायंगल के अंदर आ चुका है ये टेम्पो और इसके अंदर फुल आइसक्रीम है। भैया सबसे अच्छी वाली है ना आइसक्रीम खिला दो हमारे को। क्या आपके पास में फालूदा है? फालूदा नहीं, बादाम कुल्फी है। ठीक है तो आइसक्रीम तू आइसक्रीम कौन? हाँ मुझे भी है ना चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। इस गरीब को भी खिला देते हैं यार। नहीं, नहीं, है। नहीं, नहीं, क्या बोला लाएंगे? क्या बोला? नहीं लाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है मेरा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर। हाँ भैया तीन ही चाहिए थी हमको। ऐसा नहीं करते है यार, बेचारा रात भर शूट करेगा। भैया एक और दे दो, इसको बड़ी चिंता हो रही है। गाइस इस तरीके से हम है ना गरीबों की हेल्प करते रहते। देखो कुछ हो गया तू भाई, देखो गरीब को मिल गई है आइसक्रीम और इसके चेहरे पे काफी अच्छी सी स्माइल आ चुकी है। कैसा लग रहा है? बड़े दिनों बाद आप आइसक्रीम खा रहे हो जिंदगी में पहली बार। बहुत बार खाई है मैंने। और इसकी बेइज्जती करो। गाइस देखो कैसे चाट रहा है ये। थोड़ा सा और चाट ले, चले ये भी दे दो, सारे छिलके दे दो, सबके छिलके चाट लेगा ये। गाइस ये सारी चीजें मजाक है, ठीक है ना? आप सीरियस मत लेना यार, ऐसा नहीं है कि हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कर तो बेइज्जती रहे हैं बस। कर बेइज्जती रहे हैं, बाकी आप मत समझना कि हम बेइज्जती कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने मस्त आइसक्रीम वगैरह खा ली और जो ये टेम्पो है वो जा चुका है बाहर और यहाँ पर जो सूरज है ना वो भी दोस्तों लगातार नीचे जा रहा है। थोड़ी देर में जो सूरज है ना वो भी डूब जाएगा भाई। और अभी तक तो कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है और सारे के सारे चैलेंज में बने हुए हैं। देखते हैं कि आगे कौन बाहर निकलता है और कौन भीख मांगता है। मेरे हिसाब से मोटा मांगेगा भीख। तू ही मांगेगा। मन कर रहा है ना इसको यहाँ पे रख ले, लगातार खाते जाए खाते जाए। गाइस हमने ना काफी ज्यादा खर्चा कर दिया, 500 रुपए की आइसक्रीम खा गए हम सारे मिलकर भाई। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कैसे मिल सकता है एक ब्रांड न्यू मैकबुक एयर। सीक्रेट है आपकी क्रिकेट नॉलेज। 12 मई को इंडिया T20 लीग का मैच है मुंबई वर्सेस गुजरात के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो MyElevenCircle सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइज आपको मिलेंगे। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू मैकबुक एयर लैपटॉप। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस केवल 1 रुपीज है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 12 मई के मैच के लिए ही वैलिड है। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है और केवल मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो 1 करोड़ और सेकंड प्राइज में मिलेगी चमचमाती महिंद्रा थार। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW और आपको डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो MyElevenCircle सर्कल ऐप अभी और उस पर मुंबई वर्सेस गुजरात के मैच में अपनी टीम बनाओ। फाइनली यार वहाँ पे देख सकते हो मोनू को नींद आ रही है और मैं करने वाला हूँ मजेदार सी एक शरारत। इधर आओ, यहाँ पर मैंने ना इतनी सारी मिट्टी उठा ली। और ये क्या किया? क्या किया तूने? नहीं क्या हो गया इसका? क्या हुआ रे? मिट्टी उठा ली। मुझे क्या पता, मैं तो बैठा हूँ। ओए तूने मिट्टी उठाई? मैंने थोड़ी करी। यहाँ पे कुत्तों की तरह लड़ाई करता है, यहाँ पे मोटा आउट हो चुका है। भाई ये क्या चल रहा, मैं दूर ही रहूंगा इनसे। यहाँ पे जो मोटा है वो ऑफिशियली बाहर जा चुका है और मोनू की हालत देखो, मोनू की हालत क्या हो गई। इधर देखो, इधर देखो, ये ऐसी हालत हो गई भाई इसकी। अरे तुम्हारी लड़ाई कब स्टार्ट हुई यही पता नहीं है मुझे तो। खिला खिला, मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। पूरा का पूरा गंदा कर दिया तेरे को तो भाई। यार मोनू की गजब हालत खराब कर दी है। यहाँ पे आप देखो जिसकी किचन है वो पूरी गंदी और वैसे इसने भी तगड़े तगड़े घूसे मारे हैं। दोनों की बराबर लड़ाई थी। मोटे तू खुश हो रहा है? भूल गए क्या तू आउट हो चुका है? भाई कल है ना मोटा देखो भीख मांगने वाला है चौराहे पर बैठकर, वो भी काला मुंह करके, फटे हुए कपड़े लेकर, कटोरा लेकर। इतनी बुरी हालत होने वाली है इसकी। ओए मोनू मान जा, ये ना तुझे भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हें भी आराम से नहीं रहने दूंगा, मैं कूलर लेके जा रहा हूँ। ले जा ले जा। गाइस मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे आराम से ठंडी ठंडी हवा चलेगी, खुले एरिया के अंदर है हम। ले जा सबको ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गाइस ये कूलर लेके जा चुका है। मोनू तू बाहर निकल जाएगा, शत्रु हो रहा है, ये तेरे को बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है।
हाँ और बाकी निकल जा बाहर, फिर मेरे भी छुट्टी कोई टेंशन नहीं, निकल जा बाहर तुझे। नहीं कोई नहीं, अपना तो फायदा है गाइस, दोनों की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है। और इसको भी ले जाइए क्या? इसको मैं ले जाए, इसमें खाने पीने की चीजें वो लेगा ना तू? गाइस इसको तो मैं नहीं ले जाने दूंगा यार, इसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। तो गाइस अब हम बनाएंगे यहाँ पर मैगी। तो मोनू गया है सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ पे देखो अपने पास में है मिर्ची टमाटर और प्याज। जी हाँ कंदा फटाफट से काटते यार, हिलाना है इसको, देख रहा है यहाँ पे मुझे। गाइस यार कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है हमारे को खाना बनाने में, अगर किशोर होता ना तो यार इतनी परेशानी नहीं होती, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मर गया वो? नहीं मर गए। मर गया क्या वो? नहीं मरा नहीं। तो फिर जिंदा भी जिंदा गाइस। मिस यू किशोर भाई, मिस यू किशोर भाई, लव यू। आ जा यार खाना बना, लौट के आ जा यार। चला गया चांद इस आसमां को छोड़ के, ये डाल दो, ये नहीं ये नहीं डाल, अभी इसके अंदर डालेंगे अपन नमक और मिर्ची, आराम से खाएंगे। यहाँ पे ना मैगी बन चुकी है हमारी और काफी ज्यादा है, आराम से हम खाएंगे फुल पेट भर भर के। तो गाइस यहाँ पे हम खा रहे हैं अपना रात का खाना, और इस साइड में ना कुत्ते के खातिर हमने मैगी रखी है, ठंडी होने के बाद में उसको खिला देंगे, वो बैठा हुआ वहाँ पर। पप्पा यार हमारे पास में ही है भाई, यहाँ पे है ना ये मैगी तो खा चुका है, तो अब है ना हम इसको बिस्किट और खिलाएंगे। यार ये जंगली कुत्ता है भाई और भूखा है काफी ज्यादा। ये ले भाई, ओए गुड्डे खा तू, तेरा दिन आज का अच्छा जाएगा, बिल्कुल एक नंबर। ये ले, कितना मस्त है यार। गाइस आप ही है ना हमेशा बेजुबानों की हेल्प किया करो, मतलब ये ना ये जानवर बोलते नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी मोटी इनकी हेल्प कर दोगे ना भाई, ये खुश हो जाएंगे आराम से मस्त। गाइस अभी तक तो जो मेरा चैलेंज है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जा रहा है, लेकिन मोटे की किस्मत खराब थी, मोटा चैलेंज से बाहर हो चुका है और मोनू अभी तक भी अंदर है। और अब गाइस हम सोने की तैयारी करेंगे, बाकी खाना पीना हमने अच्छे से कर लिया भाई। यहाँ पे ना टेंट लगाएंगे और टेंट के अंदर सोने वाला है, दो बंदे हैं आराम से सो जाएंगे हम। ले डाल इसमें। तो गाइस अब है ना आराम से सोने वाले हैं हम, गर्मी होगी यार। गाइस गर्मी तो होगी, गेट खुला रखिए, हवा आएगी। हाँ इसको खुला रहने देते हैं, कोई इधर मुंह कर, हवा अच्छी आएगी, उस साइड हवा ही नहीं आएगी। गुड नाइट गाइस। ओए मोनू ध्यान रखना, रात में सुसु करने जाए ना तब बाहर मत निकल जाना, ठीक है? लाइट चालू रहेगी, दिख जाएगा उसमें। हाँ लाइट तो ऑन रहने वाली है, बाकी देख ले बिल्कुल पास में ही है ये रस्सी, ठीक है? यहाँ पर इधर जाऊंगा, अब सोते हैं यार, मस्त नींद निकालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोनू अभी तक सो रहा है, और रात में वो मैसे ने हार मान ली थी, वो तो बाहर चला गया, अब इसको उठाते हैं। ये जीत गया भाई, ओए पाटे उठ जा, उठ, सो रहा अभी तक कुंभकर्ण की तरह। क्या हुआ? उठना नहीं यार, टाइम क्या हुआ? चैलेंज कंप्लीट करो अपना, सो रहे हो? उमेश का वो मुंडे के नीचे बताना है, वो निकल गया बाहर उतर रात को। सही बता, निकल गया ना, तो जोलो जूस खानी पड़ेगी ना, भीख मांगनी पड़ेगी मुझे, अब उसको सीधा करके मुट्टे को पागल, अब क्या जीत गया मैं। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ, जिससे कि मैंने चैलेंज बीच में ही क्यूट कर दिया। जी हाँ मैं रात को उठा था सुसु करने के लिए, और गलती से जो मेरा पाँव है ना वो दोस्तों रस्सी के ऊपर चढ़ गया, और यार मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं जो भी चैलेंज करता हूँ ना वो दोस्तों बिल्कुल वफादारी से करता हूँ। और फिर मैंने सोचा कोई नहीं यार बाहर निकल जाते हैं और मोनू को जीतने देते हैं, और फाइनली जो मोनू है वो जीत चुका है, पूरा बच चुका है सजा से। और यहाँ पे अब मोटा मांगने वाला है भीख, और हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर। जी हाँ, और मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है यार, क्योंकि मुझे जोलो चिप्स खानी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल चैलेंज था, मैं रात में क्यों उठा यार, गलती से गाइस जो मेरा पैर है वो वहां पर चला गया, इतना सिंपल चैलेंज आराम से मैं पूरा कर लेता, कोई नहीं जो भी हुआ हो गया अब, लेकिन इसके मजे लेते हैं और फिर बाद में ये लोग मेरे मजे लेंगे। सबसे पहले इसको है ना भीख मंगवाते हैं, देखो यहाँ पे इसका गेटअप तैयार है, तो इसका काला मुंह करेंगे पहले तो हम। तो भाई जो हमारा कल्लू भिखारी है वो आ चुका है आपके सामने, तो चलिए ये ले कटोरा, इसका काला मुंह कर भाई है ना, अब ये भीख मांगने वाला है और इसी तरीके से मार्केट में घूमने वाला है, अब लग रहा है यार असली भिखारी तो। बस 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 बहुत है बहुत है। तो भाई जो मोटा है ना वो जा रहा है भीख मांगने के लिए, और हम जाएंगे दोनों उसके मजे लेने के लिए, इसके पीछे चलते हैं दूर दूर। गाइस है ना हम दूरी बना कर रखेंगे ताकि अच्छे अच्छे रिएक्शन दिखे, आगे ना शूट करने के लिए वो चले गए हैं। ओ हंस रहे यार इसके ऊपर,
तगड़ा है ना, पता नहीं चलना चाहिए कि हम शूट कर रहे हैं ना। गाइस वो भीख मांग रहा, आगे देख लो, और पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उसको अपनी रिएक्शन ले रहे हैं, मस्त वाले रिएक्शन चल रहे उधर। भाग गया गाइस, वो भाग गया, मोटा पता नहीं किधर हंसने लग गए मेरा कैमरा देख के। ओ भाई चल रहे रिएक्शन आ रहे भाई कितनी मजा आ रहा है यार उसका। ओ भाग गया वो, ये देखो ये कुल्फी वाले पास है भाई, उसको देख रहे, देख किस तरीके से देख रहा, वो देख सारे सारे। गाइस वो बुला रहा है उसको, इधर आ इधर आ। गाइस बहुत सारी मिर्ची डाल दी इसके जोली वाड़ ले, जोली आज का गुजारा हो गया तेरा कुल मिला के। भाई इसकी सच में हेल्प हो रही है, सच में ना लोग इसको भिखारी समझ रहे हैं भाई। तो फाइनली अब इसको खिलाएंगे जोलो चिप्स। किशोर स्टार्ट कर। हाँ तो बड़े मजे से खिलाता है ये, मेरे को अभी अभी भीख मंगा के लेके आया है। अब देखो इसकी हवा निकलती है। तो यहाँ पर ये रहे इसके दो पीस, उठा ले ले एक साथ ऐसे ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ के आराम से गुलाब जामुन समझ के पूरा उठा ले और मुंह में जाने दे। 1, 2, 3 और जोलो चिप्स मुंह में जाने के लिए तैयार है। कम ऑन खा लो जल्दी जल्दी। क्या देख रहे हैं पास? कुछ आखिरी ख्वाहिश जो ऑडियंस को बोलना चाहते हो? गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 3 मिलियन कराओ। खा लो पूरा, पूरी 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 मुंह में अंदर जानी चाहिए, आ करके दिखाना पड़ेगा, आ कर अभी अभी जाने दे रुको थोड़ा सा मिर्ची करंट लगेगा, अभी मिर्ची लगने दो थोड़ी। 440 वाट का झटका। अब लग गया भाई, अब लग गया। अब ये बाथरूम में ही साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब गई बेस पानी में, ये तो अपने लिए है। खोपड़ी चकरा रही है बहुत खतरनाक वाली, बिना सोचे समझे कुछ भी जो भी आ रहा है मुंह में जा रहा है। आज सेकंड बार ट्राई करा है, कैसा लग रहा है? कुछ बोलने लायक है या फिर नहीं है? बोला ही नहीं जा रहा। आप तो ये खाओ मीठा, मीठा खाएगा क्या भाई? आंखें देखो आंखें। इसी के साथ होता है ये चैलेंज यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जय हिंद जय भारत। 3 मिलियन जल्दी करो फटाफट से। 1 रुपए में मैकबुक एयर जीतने के लिए डाउनलोड करो माई लोन सर्कल है। फर्स्ट प्राइज 1 करोड़, सेकंड प्राइज चमचमाती महिंद्रा थार, गेट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।